साथियों, क्या आपकी जो बछड़ी है और जो आपकी झोटी है, तो क्या वह बार बार रिपीट हो रही है? वह बार बार फिर रही है? अगर वह कंसीव नहीं कर रही, उसके क्या कारण है? तो ये पूरी जानकारी लेने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए है। जो भी भाई नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब भाइयों के पास पहुंचे। धन्यवाद। सत श्रीकाल किसान साथियों, मैं गुरदीप सिंह फार्मिंग किंग चैनल के ऊपर आप सभी भाइयों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो किसान साथियों, आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा है डेयरी फार्म का, क्योंकि जब हम इतनी मेहनत से अपनी बछड़ी और जो अपनी झोटी है उसको हम तैयार कर लेते हैं, 2 साल मेहनत लगा के, 1 साल मेहनत लगा के, तो वह अंत में आकर वह गाभी नहीं रुकती, तो उसके क्या कारण हो जाते हैं? आज हम उसके बारे में बहुत ही गहराई से जो है चर्चा करेंगे और आपको इसका समाधान बताएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको और भी पशुपालन के रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहें। तो शुरुआत करते हैं किसान साथियों, सबसे पहले बात आती है कि इसके क्या कारण है। इसके 3 से 4 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि हमारा पशु वह बाहरी तरफ से और वजन की तरफ से कमजोर होना, क्योंकि हमारी जो बछड़ी और हीफर है, जो हमारी जुट्टी है, वह अगर वेट में, बॉडी वेट में कम होगी तो मान लीजिए वो तब भी उसको वह रिपीट करेगी, वह कंसीव नहीं कर पाएगी, तो इसमें भी बड़ी समस्या है। तो दूसरी बात आ जाती है कि उसकी बच्चेदानी की जो ग्रोथ है वह पूरी नहीं होना, क्योंकि हमारा जो डॉक्टर एआई वर्कर है वह कई बार हाथ डाल के चेक करता है एआई के समय, तो उसको फील होता है कि उसकी जो ओवेरी है जुट्टी या हीफर की बछड़ी की, कि वह कमजोर है, वह बताता है आपको। तो इसका एक ये कारण होता है। और उसका अगला एक और कारण होता है कि हम बार बार अगर सीमन लगवा रहे हैं तो भी हमारा जो पशु है वह रुक नहीं रहा। उसमें कारण क्या होता है कि हो सकता है उसके बच्चेदानी के अंदर सोजस या पस या मवाद किसी तरह का इन्फेक्शन होना। तो ये इसके 3-4 कारण हैं जो मेन होते हैं, जिसी के बारे में आज हम आपको समाधान है जो इसका बताएंगे। तो किसान साथियों, सबसे पहले जो भी पशु, जो भी बछड़ी हीफर आपकी, वह कमजोर है, अगर वह कमजोर क्यों है, पहले इसका आप कारण जरूर जान लें कि आप उसको अगर ज्यादा घास पे ही चला रहे हैं, चारा चारे पे ही ज्यादा रख रहे हैं, और अगर आप उसको खल फीड वगैरह नहीं दे रहे तो वह कमजोर ही रहेगी, उसको तैयार होने में समय लगेगा, उसको कम से कम 4 साल का समय भी लग सकता है हीट पुराने में, कंसीव करने में 3 साल में भी हो सकती है, 2.5 साल में भी हो सकती है। तो पहले तो आप उसको साथ में हरे चारे के दाना या खल वगैरह जरूर दें, इससे क्या होगा कि उसकी बॉडी में ग्रोथ आएगा, उसकी बच्चेदानी भी ग्रोथ करेगी, तो वह कंसीव कर जाएगी। तो अगला जो हमारा स्टेप है वह आता है कि हमारे पशु की बच्चेदानी है वह कमजोर है, क्योंकि हमने जो हमारी पशु जैसे हीट में आ गया तो हमें एआई वर्कर को बुलाया, तो उन्होंने हाथ डाल के चेक किया तो उन्होंने बताया कि इसकी तो अभी बच्चेदानी कमजोर है, इसको आप मिनरल मिक्सचर दीजिए। तो तब भी आपने उसको मिनरल मिक्सचर नहीं दिया, या दिया तो आपने उसको लोकल मिनरल मिक्सचर दे दिया। तो इसमें आप खास तौर पर ध्यान रखें, आप उसको एक अच्छा मिनरल मिक्सचर अच्छी कंपनी का सीआरएस दीजिए, जो कि जेनेक्स कंपनी का है, या फिर आप उसको एमएसडी कंपनी का जो वीएम चलेटेड है आप उसको साथ में वो दीजिए। ये 2 मिनरल मिक्सचर हैं जो कि मैं अपने फार्म पर यूज करता हूँ, आप भी इनका यूज करके इसका अच्छा फायदा ले सकते हैं। इसको 1 महीना 2 महीने लगातार खिलाने से आपकी जो पशु की बच्चेदानी है वह पूरी ग्रोथ में आ जाएगी, वह हीट में भी अच्छे समय पे आएगी और कंसीव भी 100% करेगी। तो दूसरे कारण का सॉल्यूशन। तो इसके बाद आ जाता है कि ये तीसरा कारण है कि उसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन, पस या फिर सोजस होनी, तो उसका आप क्या इलाज करोगे? उसका आप मिनरल मिक्सचर कंटिन्यूसली रखोगे, और उसके एआई के समय, मान ली हीट के समय, उसको आप पहले दवाई रखाओ, उसको 3 दिन दवाई रखाइए और उसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन दीजिए 3 दिन। तो उसके बाद क्या है, वह अगली हीट में उसको आप क्रॉस करवाओगे तो वह 100% है, वह रुक जाएगी। वह किस कारण से होता है? वह ज़्यादातर कारण क्या होता है कि हमने जैसे हमारी बछड़ियाँ ही पर हीट पे आ गई और हमने उसको लोकल किसी बुल से क्रॉस करवा दिया, डायरेक्ट मेटिंग करवा दी, और हमने ये नहीं जाना कि वो हो सकता है उस बुल में इन्फेक्शन हो, वो हो सकता है उसने उसको क्रॉस करने से पहले किसी ऐसी भैंस को क्रॉस किया हो जिसके इन्फेक्शन हो, तो वह आपकी हीफर बछड़ी में भी इन्फेक्शन आ सकता है, इससे भी रिपीट पे रिपीट पशु करेगा और आपका पशु गाभी नहीं रखेगा। तो इसलिए आप ये चीज़ का भी जरूर कन्फर्म करें, आप उसको उसका डिस्चार्ज जरूर चेक करें, डिस्चार्ज में सफ़ेद पन्नी होना चाहिए, डिस्चार्ज साफ होना चाहिए, तारदार होना चाहिए,
ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मतलब आपको नोट करनी पड़ेंगी, क्योंकि आजकल देखो बहुत ही सेंसिटिव मामला है ये कि आपका पशु बार बार फिर जाना, क्योंकि पशु अगर बार बार फिरता रहेगा तो देखिए वो पशु खूंटे पे खड़ के हरा चारा खा रहा है, दाना खा रहा है, तो आपका रोज का कॉस्ट बढ़ रहा है। तो आप उसकी ये छोटी छोटी दो चार बातों का ध्यान रखें, इन बातों का ही ध्यान रखना चाहिए। आपका जो हीफर और मछली है वह आपकी सही समय पे कंसीव कर जाएगी और आपको सही समय पे बच्चा देगी और दूध की पैदावार देगी। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जो भी मैंने जानकारी दी है, जो भी सॉल्यूशन बताए हैं इन तीनों कारणों के, तो आपको ये कारण बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे। और आप इस वीडियो को और भी अपने जो साथी हैं जिनकी किसी की बछड़ी या हीफर नहीं रुक पा रही, उन तक जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनके यानी अपनी और बछड़ी हीफर को ऐसे ट्रीटमेंट करके कंसीव करवा सकें। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी भाइयों का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए गुरदीप सिंह की तरफ से धन्यवाद जी।